प्रश्न दो का देखिए, प्रश्न नंबर दो क्या बनेगा? 2 है प्लस 10। जल्दी मैसेज करिए, दुर्जन लिखते जाइए फटाफट। सम प्लस हार, संघार। गिरी प्लस ईश, गिरीश। पो प्लस इत्र क्या शब्द बनेगा? जल्दी मैसेज भी करिए चैट बॉक्स में। पो प्लस इत्र, पवित्र। वेरी गुड। नेक्स्ट, 1 प्लस 1 बनेगा एक। ने प्लस अन, ने प्लस अन बताइए क्या बनेगा? नयन। वेरी गुड पलक, नयन। सम प्लस राट, जल्दी सम प्लस राट क्या बनेगा? सम वाघ प्लस दान, कैसा जय हो जाएगा ये? वाघदान, व्यंजन संधि। ओके, मन है प्लस रथ, यहाँ पे है विसर्ग संधि, मनोरथ। जगत प्लस ईश, जल्दी चैट बॉक्स में जगत प्लस ईश क्या बनेगा शब्द? यस चेरी, शानवी, पार्थवी। वेरी गुड मंजू, जगदीश क्या बनेगा? जगदीश का दय बन रहा है, व्यंजन संधि है। उत्त प्लस चारण, उच्चारण। उत्त प्लस ले, उल्ले। सम बोर्ड क्लियर दिख रहा है? ओके, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करना है। अब अभी तो अपने संधि शब्द लिखे हैं, अब इन शब्दों का संधि विच्छेद करना है। मिटा दो ये, लिख लीजिए। यस अनिकेत, हंशिका, मंजू, मिटा दूँ ये? मिटा ये, ओके ने।
प्रश्न नंबर 3। उज्ज्वल का क्या बनेगा? पुत्र प्लस ज्वल, ठीक है। फिर है वे महर्षि महान प्लस ऋषि, महा महा प्लस ऋषि, महर्षि का बनेगा महा प्लस ऋषि। ओके, लिखते जाइए। यस जितेश, कहाँ लिख रहे हो आप जितेश? आगे लिखिए सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह है। आगे लिखिए नीरो, नी है प्लस रो, नी है प्लस रो, ठीक है। यदि कोई दिखते है तो आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। जो प्रश्न क्लियर नहीं है, कुछ कंफ्यूजन हो तो आप चैट बॉक्स में कर देना मैसेज में। देख फिर है संसार, सम प्लस संसार, संसार क्रोधाग्नि, क्रोध प्लस अग्नि, दुस्साहस। हाँ जितेश, जतिन बताओ क्या होगा दुस्साहस? विसर्ग संज्ञा है इसमें भी, दुह प्लस साहस। फिर है दिग्गज, दिग प्लस गज, व्यंजन संधि है दिग्गज में, लिख लीजिए जल्दी। नीचे दिग्गज, लघुतर लघु दस उत्तर, लघुतर इसमें दीर्घ संधि है,
पितृ अनुमति पिता प्लस अनुमति, इसमें स्वर संधि है। पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति। जल्दी नेक्स्ट प्रश्न में चलो, मिटा दो ये। ओके क्या है? प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में आपको स्वर संधि के भेदों के अनुसार अलग अलग करके लिखना है। ऊपर जो वर्ड्स दे रखे हैं, जो शब्द दे रखे हैं, उनको ये स्वर संधि के भेद दिए गए हैं। 1 2 3 4 पांचों भेद यहाँ पे दिए गए हैं, तो कौन सी संधि का उदाहरण है वो लिखना है यहाँ पर। सबसे पहले लेते हैं स्वच्छ। स्वच्छ कौन सी संधि का उदाहरण है, कौन बताएगा? उसका होगा सु प्लस छ। हाँ का व, य, र, व कौन सी संधि में बनता है? देखिए व्यंजन नहीं है बेटा, ये स्वर संधि के भेद है पांच, और ये बनते हैं ये। सॉरी यण संधि, ठीक है। तो स्वच्छ किस किस में लिखोगे आप? यण संधि में। तरीका बताती हूँ किस तरीके से आपको लिखना है। अब ये दे रखा है आपके जैसे जीर गुण, वृद्धि, ठीक है, फिर अयाति, पांचों भेद दे रखे हैं और कुछ शब्द दे रखे हैं, इनको छांट के अपने को लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले स्वच्छ कौन से में आएगा? यण संधि में। स्वच्छ सब कौन सी संधि का है उदाहरण? यण संधि का। फिर है एकाई, एकाई कौन सी संधि का है? आई औ, ये कौन सी संधि में होते हैं? एक प्लस एक, ए के बाद कोई ऐसा मान स्वर आए तो कौन सी संधि होती है, बताइए। देखिए मैसेज करिए, ए के बाद ऐसा मान स्वर आए। बताओ दीर्घ होती है, वृद्धि होती है, या गुण होती है? जल्दी, नो, गुण नहीं होती है। गुण होती है क्या? गुण नहीं होती है, ये होती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि होती है, ठीक है।
ए या आके बाद में, ए या ऐ के साथ मेल होने पर ओ औ औ हो जाता है, ऐ हो जाता है, यानी ऊपर जो दो मात्रा आती है वो प्रति संधि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने एक का एक किसमें लिखोगे? प्रति संधि में। ठीक है, लिखते जाइए। फिर है पवन, पो प्लस अन, पवन कौन सी संधि में आएगा बताओ? पो प्लस अन, ओ अयादि संधि। अयादि संधि में लिखोगे आप पवन। फिर है धर्मेंद्र, धर्म प्लस इंद्र, ए के बाद में ए समान स्वर, ई ऊ कौन सी गुण संधि? धर्मेंद्र किसमें आएगा? गुण संधि में। ठीक है, धर्मेंद्र यहाँ लिख लोगे। फिर है जलोर्मी, जल प्लस उर्मी, कौन सी है ये भी गुण जलोर्मी, जल प्लस उर्मी, बताइए देखिए कौन बताएगा? जल प्लस उर्मी। नो दीर्घ नहीं है इसमें। ए के बाद में ऊ आ रहा है, कौन सी संधि में है? ए के बाद यदि ऊ के साथ ई या ऊ के साथ मेल हो तो ए के स्थान पे क्या हो जाता है? ओ, तो क्या आएगा इसमें? गुण संधि। यह है गुण संधि, जलोर भी गुण संधि। ठीक है, फिर है कपीश, कपी प्लस ईश, ये है दीर्घ संधि, यहाँ लिखोगे कपीश। फिर है अत्यधिक, अति प्लस अधिक, कौन सी आएगी? अति प्लस अधिक, बताओ अयादि है कि यण है? अयाति है कि अण है? अत्यधिक यण संधि है इसमें, यण संधि है अत्यधिक। है, इसके बाद में है गायिका, गई प्लस इका, अयाति। गायिका में कौन सी संधि है? अयादि संधि। गायिका। इसके बाद में वनौषधि, वन प्लस औषधि, कौन सी संधि है इसमें? वृद्धि संधि। इसमें है वृद्धि संधि। फिर है सदैव, ये भी सदा प्लस एव, वृद्धि संधि है। सदैव में भी वृद्धि संधि है। फिर है सुक्ति, सु प्लस उक्ति, इसमें कौन सी है सुक्ति? सु प्लस उक्ति, उ के साथ उ का मेल हो रहा है और बड़ा उ हो रहा है, बताइए देखिए। टू प्लस उत्ती होनी चाहिए,
दीर्घ संधि है इसमें, सुप्ति होगा दीर्घ संधि। रेखांकित, रेखा प्लस अंकित, इसमें भी दीर्घ संधि है। रेखांकित इस तरीके से ये शब्द काटकर आपको लिख देने हैं, लिख लीजिए सभी। प्रश्न नंबर 5 में स्वर, व्यंजन और विसर्ग, इनके चार चार उदाहरण आपको छाट के लिखने हैं। ये सारे उदाहरण आपको बुक में भी दे रखे हैं, खुद भी कर सकते हो। यस, प्रश्न नंबर 4 तक किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है प्रश्न नंबर 4 तक, बता सकता है अभी? कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? ठीक है, फिर आगे चलू, नेक्स्ट प्रश्न में चलू। ओके क्लास, ठीक है। आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के चार चार उदाहरण छाट के लिखने हैं, लिख लीजिए। स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग, अनम्यूट कर रखा है, बताओ मुझे स्वर संधि के उदाहरण बताना। मैम विदुषी, कहना है, मैम कहना है, मैम विदुषी, नो कहना है, कहना है। परमात्मा, देवेंद्र, देवेंद्र, हिमालय, स्वागत, स्वागत तथे, हिमालय, हिमालय भी, स्वागत, मतानुसार, हिमालय, हिमालय, तथे, तथे, हिमालय। दीर्घ वाला पेज खोल लिया और बोले जा रहे हैं ना व्यंजन के? टिक टिक रखे हैं। ओके, व्यंजन के बताओ। उज्जवल, मैम उज्जवल, जगदीश, अनुच्छेद, मैम उच्चारण, छाया, मैम और दिगंबर, चंद्र, सद्भाव, दिगंबर, हम सज्जन, दिगंबर, हम सज्जन, सज्जन, दिगंबर, सज्जन, दिगंबर, मैम दिगंबर लिखे, सज्जन भी लिखा, मैम निश्चय, मैम विसर्ग के निश्चय, स्वागत, निराशा और निर्जल और नमस्ते, हम तत्व, निराशा, नमस्ते, प्रातःकाल, प्रातःकरणी, निर्जल, मनोहर, निर्धन, निर्जल, निर्धन, निर्जल, हो गया, लिख लीजिए जल्दी। मैम लिख भी लिया। वेरी गुड। एक्सक्यूज मी मैम। मैम डन। मैम प्लीज साइन। आई हैव डन मैम आल्सो। कौन है फोटो खींचने वाले? यशोदा, आई एम सो सॉरी।
फिर देखो सही विकल्प पर संधि लगाने एक मिनट विसर्ग संधि का खड़ बताऊं नीरोग मैम क्या नीरोग मैम एक मिनट मैम हमने तो नमस्ते लिखा है नमस्ते भी सही है मैम सिक्स मैम डन मैम सिक्स वाला सिक्स फर्स्ट का तीन मुख्य संधि होती है सेकंड का थर्ड तीन मैम दूसरे में फोर्थ निर्जल यस मैम दूसरे वाले का भी फोर्थ है निर्जल मैम निर्जल फोर्थ आएगा दूसरे में भी मैम तीस मैम ग मैम तीस ग वाले का सेकंड मैम ग वाले का फर्स्ट सॉरी सॉरी फर्स्ट प्लस मैम सेकंड मैम सेकंड दंत प्लस मोस्ट मैम थर्ड थर्ड मैम थर्ड थर्ड वाला दंत थर्ड वाला एक मिनट कौन सी संधि है बताओ थर्ड फोर्थ नहीं करोगे कौन सी संधि है इसमें मैम एक मिनट दीर्घ स्वर तो है लेकिन दीर्घ है या गुण है वो बताओ मैम दीर्घ 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 संधि दीर्घ है नो वृद्धि है बताओ गुण है या वृद्धि है मैम वृद्धि है सॉरी वृद्धि मैम वृद्धि संधि क्या इसमें वृद्धि संधि है तो वृद्धि संधि में कौन सा होगा आउ वाला सेकंड नंबर ऑप्शन सही है सेकंड नंबर फिर भावुक का संधि विच्छेद है भावुक हो प्लस मैम फर्स्ट वाला मैम फर्स्ट वन मैम फर्स्ट वाला हो प्लस ओके ठीक है फर्स्ट वाला ना सेकंड वाला इसमें अयादि संधि ये अयादि संधि है इसमें ठीक है फिर है सुक्ति का संधि विच्छेद होगा मैम फोर्थ वाला मैम फोर्थ वाला पांचवे का होगा फोर्थ दीर्घ संधि ठीक है अब आप कॉपी वर्क लिख लीजिए आपको डायरी मिली है ना स्कूल से यस मैम मिली है उसमें अब आप होमवर्क लिख लो ये आपका आज का क्लास वर्क हो गया होमवर्क इन्हीं में से कॉपी में करने के लिए दे दे Excuse me, ma'am. बोर्ड पे लिख दो डायरी मैम मुझे डायरी नहीं मिली स्कूल मैम मुझे डायरी नहीं मिली बुक सेट में कॉपी में लिख लो बुक सेट में डायरी नहीं मिली मैम मुझे एटलस बुक में मिली एटलस बुक में नहीं मिली मुझे मैम हमें तो बुक सेट से नहीं मिली थी लेकिन पापा जब वो टेस्ट कॉपी देने गए जब मिल गई थी आई है डायरी ठीक है ये जो जिन्होंने टेस्ट कॉपी जमा नहीं करवाई ना वो लोग बोल रहे कि हमें डायरी नहीं मिली है आप जब टेस्ट कॉपी जमा करवाने जाओगे आपको डायरी मिलेगी ठीक है तो आप लोग अभी डायरी नहीं है तो कॉपी में नोट डाउन कर लो होमवर्क आज का होमवर्क है अपना इसी चैप्टर का वैसे मैंने कल भी दिया था कल काफी कम स्ट्रेंथ थी बच्चों की प्रश्न नंबर एक दो प्रश्न नंबर एक दोनों प्रश्न करने हैं प्रश्न नंबर दो करना है प्रश्न नंबर तीन करना है और प्रश्न नंबर चार कॉपी में करना है आपको ये और छह
ये काम आपको कॉपी में करना है। ठीक है, पेंसिल नोट कर सकते हो, पेंसिल का कोई काम नहीं है, भूल जाओ वो, सिक्स क्लास में आ गए वहां। अब देखिए, आपको मैंने शब्द भंडार में भी कुछ काम करने के लिए दिया था कल, किस किसने किया बताइएगा। प्रश्न नंबर पांच में, पार्ट नंबर पांच में भी मैंने शब्द भंडार में आप लोगों को काम करने के लिए दिया था, किस किसने किया है, राइज योर हैंड्स। किसी ने नहीं किया है, ठीक है। आज के तो आज के लिए तो काम हो गया आपका, होमवर्क ये बाद में दे दूंगी फिर। ना अभी करने क्लास में बैठ के, अभी दूसरा चैप्टर शुरू करूं क्या? No, ma'am, there is no time. नहीं करना, कि वैसे भी दो मिनट बचे हुए हैं, दो चार मिनट। अब किसी को कोई यदि दिक्कत है चैप्टर नंबर फोर से पहले वो मुझे बता सकता है। ना ना ना, थोड़ा क्वेश्चन आंसर शेयर कर सकते हो? विच चैप्टर? मैं वन टू Yes, Diana and Pallav. Yes, ma'am. आप अपनी कॉपी शो कर दो, जो कुछ बच्चे नए हैं। Yes, ma'am. Yes, Diana. अलग कर रही हो तुम? यस मैम। हम बुक वर्क पेन से करना है ना? पेन से करना है काम, पेन से ही करना है। ओके मैम। एक मिनट दिया। हम फिफ्थ चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्लियर नहीं दिख रहा, क्यों नहीं हो रही आपकी? मैंने स्क्रीनशॉट ले पहले, किस मैम क्लियर नहीं दिख रहा, फलक का क्लियर नहीं दिख रहा, तेरा क्या है वो दिखा रही है ना? यस मैम, इसका क्लियर नहीं दिख रहा। यस मैम, क्लियर नहीं दिख रहा मैम। स्क्रीन शेयर में जा, क्लियर नहीं दिख रहा, माफ कर दो। एक मिनट, वन मिनट, स्क्रीन शेयर इसको। बड़ा थोड़ा सा नीचे करियो, इन स्क्रीन बड़ी स्क्रीन पे नहीं हो पा रहा, इस स्क्रीन पे मैं मना कर रही हूं, नहीं होएगा, बड़ा घटा ले मैम, मना कर रही हूं। ओके मैम, स्क्रीन सब में नहीं दिख रही। Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. आप करना पलक, ओपन करना आप होगा। मैं क्या? क्या बोलते हैं इसको? ओपन करना। Yes, ma'am. मैम अगर पास को प्रॉब्लम आ रही है, कहना है कि मैं नंबर से पास हूँ। नहीं उसको चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड के स्कूल से मिल जाएंगे, ठीक है? इसका काम कंप्लीट नहीं है, न्यू स्टूडेंट है उसके लिए हम भिजवा देंगे, ग्रुप पे सेंड कर देंगे।
और मैं समझा देती हूँ किस तरीके से आपको काम करना है न्यू स्टूडेंट्स के लिए खासतौर से। चैप्टर नंबर फर्स्ट में तो मैंने आपको नोट्स बनाने के लिए दिए थे, जैसे भाषा है तो इसकी परिभाषा लिख दी, इसके भेद लिख दिए, जो मुख्य भेद है वो लिख दिए, फिर भेद की परिभाषा लिख दी, ठीक है। उसके बाद में भाषा के प्रकार आ गए, वो उसकी परिभाषा लिखनी है। इसके बाद में मैंने आपको करवाया था लिपि, आपको लिपि का चार्ट भी दिया था। इसके बाद में कुछ प्रमुख बोलियों के बोलियां भी बताया था आपको, वो मैंने अलग से करवाया था, तो वो आप लोग रहने दो। तो आप लोग जो न्यू स्टूडेंट है वो आप लोग कर लीजिए, प्रश्न नंबर जो एक है वो कंप्लीट कर लेना, उसमें सारा आ जाएगा। आप लोग नोट्स रहने देना, ठीक है। न्यू स्टूडेंट्स और जिन्होंने काम नहीं किया वो सुन लीजिए, प्रश्न नंबर एक ये आपको पूरा कंप्लीट करना है। इसके आंसर आप चैप्टर में से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे सारे, ओके। इसके बाद में आपको करना है प्रश्न नंबर चार, ठीक है, और प्रश्न नंबर छह, ये दो प्रश्न आप कर लेना, तो आपका ये वाला चैप्टर, इस चैप्टर का काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर वर्ण विचार, वर्ण विचार के भी मैंने आपको नोट्स शेयर करके, नोट्स थे मेरे पास में बनाए हुए, वो मैंने आपको शेयर करे थे और वो आपको करने थे। किसी के पास है अभी लेकिन अभी शेयर नहीं हो पाएगा, तो मैं बता देती हूँ आपको क्या काम करना है। चैप्टर नंबर टू में से आपको ये ही प्रश्न नंबर एक कंप्लीट कर लेना, इसमें सारे नोट्स आ जाएंगे, वर्ण के वर्ण की परिभाषा भी आ जाएगी, भेद भी आ जाएगा, ऋस्व और दीर्घ स्वर भी आ जाएंगे, स्वर और व्यंजन में अंतर भी आ जाएगा, संयुक्त और द्वित्व व्यंजन में अंतर भी आ जाएगा। इसके बाद में आपको करना है जो वर्णों का उच्चारण स्थान है, वर्णों का जो उच्चारण स्थान है पेज नंबर 12 पे, ये पूरी आपको सारणी बनानी है, ये जो टेबल है ये पूरी बनानी है, ये मैंने करवाई थी और ये देख लेना, ये आपको पूरी टेबल बनानी है, ठीक है। इसके बाद में इसमें इतना ही करना है वर्ण वाले में। इसके बाद में शब्द में देखो, शब्द में भी आपको मैंने प्रश्न उत्तर करवाए हैं और इसके बाद में चार्ट भी बनवाया था शब्द का, तो ठीक है। शब्द विचार में मैंने पूरा चार्ट बना के दिया था आप लोगों को, वो चार्ट आपको बनाना है इसका, कि पहले शब्द की शब्द लिख लोगे फिर परिभाषा आ जाएगी, फिर इसके भेदों का वर्गीकरण आ जाएगा सारा, चार भेद आ जाएंगे, चारों भेदों के जो भेद होते हैं वो उस चार्ट बनाओगे आप। ओके, और पार्ट नंबर चार हो ही गया अभी, कल मैं इसी ये चैप्टर नंबर फाइव करवाऊंगी, ठीक है। काम कंप्लीट हो जाना चाहिए चैप्टर नंबर फोर तक, ओके। अब आप लोग 5 मिनट्स के लिए रेस्ट कर सकते हैं। आई थिंक अक्षय मैम, हेलो अक्षय मैम, गुड मॉर्निंग मैम, प्लीज वेट, फिक्स क्लास प्लीज पे अटेंशन बोथ 6A एंड B सेक्शन, प्लीज ऑल ऑफ यू स्विच ऑन, स्टार्ट योर कैमरा फर्स्ट ऑफ ऑल। सोनिया मैम, yes, all of you just please pay attention, I hope you all have been submitted your test copy in the school yesterday, I warned you just last kal warn kiya tha na about last day, ma'am just wait, we have to announce them otherwise they will not get their result, inko zero milega, you will get zero, meri baat fir sun lena, agar pdf bhej diya it's very good but you have to submit your hard copy also। Shanvi Parekh, what about you? Unmute yourself. Okay, ma'am. Can I leave? Okay, ma'am. Shanvi?
submit your test copy anyhow today in any condition. It's up to you. You want a zero? आपको marks चाहिए? Today I will announce the name of the student. And just take a break and come back with your SST book and your map book also. Okay? It's 9:55. We will start our class sharp 10. Prithvini, what about your copy? What is the reason behind it? Just write in the chat box. Parth. Ayush Chaudhary.